हाय गाइस, मैं रंजना सिजल पार्लर से। ये आप जो देख रहे हैं, ये मशीन आप देख रहे हैं, इसको मशरूम बोलते हैं। ये मशीन को, ये मशीन पे मैंने गौस पट्टी लगा रखी है। इसको गौस पट्टी से ही यूज करना है स्किन पे। आपने गौस पट्टी देखी, मैंने इसके पीछे यहाँ पे रबड़ बैंड बांध दिया है क्लाइंट। तो इस ये आप देख लिए। अब इसको मैं, हाँ, ये फेस पे जेल लगा हुआ है, ये ऑयल के लिए है, स्पेशली सिर्फ ऑयली स्किन के लिए है, ऑयल रिमूव करने के लिए है। तो ये सिर्फ ऑयली स्किन पे ही आप यूज करेंगे, ड्राई स्किन पे नहीं करेंगे। और आप देख सकते हैं क्लाइंट का स्किन काफी ऑयली है। तो मैं अभी इसको यूज करने का तरीका आप लोग को बताती हूँ। आपने नाम देख सकते हैं, मैं इसे पानी में डीप कर रही हूँ, क्योंकि इसे डीप करके ही लगाना है और जेल रहना चाहिए क्लाइंट के फेस पे। गाइस, ये आप देख रहे हैं, यहाँ से ये ऑन ऑफ रहता है इसका। ये प्लग पॉइंट मैंने इसमें यूज कर लिया है, प्लग पॉइंट से चलता है ये। और मैंने ये ऑन ऑफ का बटन है गाइस, इसमें हाई तक करने के लिए, पर हम इसको थोड़ा सा कम में रखेंगे। गाइस, आप देख सकते हैं मैंने रखा थोड़ा सा और इसमें करंट आना शुरू हो गया है, ऑरेंज लाइट का या ब्लू लाइट भी आएगा, पर कोई लाइट आनी चाहिए बस। ये आपने देखा, अब मैं इसे ऐसे कुछ काम करना और मैंने हटा लिया है, तो मुझे क्या करना है, मैं फिर से इसे स्टार्ट करके फिर डायरेक्टली इसे टच नहीं करूंगी गाइस, नहीं तो क्लाइंट को करंट लगेगा। तो आप क्या करेंगे, पहले क्लाइंट को इस पे टच कर लेंगे और फिर आप स्टार्ट करेंगे, तो शॉक नहीं लगेगा। क्लाइंट को पहले मैंने जेल का किया हुआ है मसाज और जेल रिमूव नहीं किया है, जेल के ऊपर ही मैंने ये मशीन घुमाना है। पांच से दस मिनट आपको ये करना है गाइस, दस मिनट एटलीस्ट करना है आपको। अभी कुछ काम करें गाइस, इसे मीडियम पे ही रखना है, ज्यादा हाई पे नहीं रखना है। आपने इसे, आपने देख रहे हैं, मैं इसे सर्कल मोशन में ले रही हूँ। हाँ, आप जब इसे करेंगे ना, तो थोड़ा सा अगर रेडिश चेहरा होता है तो डोंट वरी, ये बाद में नॉर्मल हो। कुछ प्रॉब्लम हो रही है? नहीं नहीं। ये ऑयल रिमूव करने के लिए है गाइस, इसे नॉर्मल स्किन पे यूज नहीं कर सकते आप, सिर्फ ऑयली स्किन के लिए है। मैं आप लोग को बार बार बोल रही हूँ, ये आप लोग को कुछ पूछना रहेगा तो आप मुझे कमेंट्स करना इस चीज के बारे में। गाइस, मेरे को अगर कुछ रहा तो आप मुझे कमेंट्स करना। और भी बहुत सारी मशीनरी है जो मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ और आप लोग को बताऊंगी कुछ और नया करने के लिए। अगर पार्लर में आप मशीनरी यूज करते हैं तो आपका पार्लर बहुत अच्छे से चलता है, तो आप लोग को कुछ बताने के लिए मैं कुछ चीजें कर रही हूँ। तो प्लीज आप लोग पूरा वीडियो देखिए गाइस, और कुछ भी रहा तो प्लीज मुझे कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।